बेस्टीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबा खैर हो आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि आज आप एक चुटिया के अवतार में हों, एकदम संस्कारी स्वीट लड़की। तो बेस्टीज, आज के जो मेरे ये बाल हैं ये मेरी मम्मी ने बनाया है। उन्होंने बोला कि ऐसे बन ले आज, हमेशा खुले हो, दो चुटिया में तो अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आज मैंने एक चुटिया बनाई है, मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। मेरी मम्मी है, अभी यहाँ काम कर रही है क्योंकि मेरे को लेट हो रही है। तो मेरी मम्मी आज सारा काम कर रही है। तो मम्मी, मैं अभी जा रही हूँ कंप्यूटर। और थैंक यू मेरे ऐसे बाल बनाने के लिए। बोल दे अभी सबको बाय 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 बाय, तब तक ले मिलती हूँ मैं आपको नीचे रास्ते। प्लीज़ मैं आपको एक फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ, जो मेरा खास फ्रेंड है। देखो डब्बू आ जा, वो अभी टॉयलेट कर रहा है। अरे डब्बू आ जा, डब्बू ने नहीं आया, उसने मेरा पोपट कर दिया। आजा डब्बू, आजा 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 आजा, देखो आ गया। देखा, पोपट नहीं किया उसने मेरा, आ गया वो। आजा आजा डब्बू, डब्बू सबको हाई बोलो। ये देखो, चल बाय 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 बाय। तो मेरे को लेट हो रही, तो मैंने उसको अभी भगा दिया। बेस्टीज़, यार मेरे साथ आज बहुत बड़ा पोपट हो गया है। मेरे कपड़े गंदे हो गए। ये गाड़ी वाले अपने को तीस मार खान समझते हैं, पता नहीं कैसी तो गाड़ी चलाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। इनको कौन समझाए कि रास्ते में भी लोग चलते हैं। भाई थोड़ा संभल के चलाना चाहिए। पर छोड़ो, मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए इन्होंने। कोई ना, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये देखो, ये जो डब्बू है ना, मेरे साथ साथ जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती ये मेरे साथ जाए। मैं क्या करूँ ऐसा जो ये भाग जाए। मैं काम करूँगी, इसको चकमा दूँगी, ठीक है। उफ़, थैंक गॉड यार, मैंने उस डब्बू को ना चकमा दे दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो मेरे साथ साथ आए। आपको तो पता है कि रास्ते के कुत्ते कैसे होते हैं, घरेलू कुत्तों को बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो मैंने उसको चकमा दे दिया। यहाँ देखो, यहाँ का व्यू, जहाँ मैं जा रही हूँ ये ना बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। सबसे अच्छा तो तब दिखता है जब यहाँ बारिश होती है, बहुत प्यारा दिखता है। फाइनली हम कंप्यूटर से आ गए हैं, और मेरे साथ है मेरी दीदी प्लस दोस्त। दीदी बताओ तो जरा, कंप्यूटर में कैसी बैंड बजी हमारी आज? बहुत ज़्यादा। बनाना ही नहीं आया हमारा, बस का नहीं है कुछ भी, जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से बनी है। हाँ, मेरा तो खैर क्या ही बोला, दीदी तक पहुँचते पहुँचते मेरी तो बैंड बज जाएगी। चलो आपको मिलते हैं हम आगे पे, मतलब रास्ते में चलते चलते ही बातें बातें करेंगे आपसे। तो यार, दीदी तो अभी घर चले गई और मैं अभी अकेले हो गई। पर कोई ना, अकेले जा सकते हैं। अभी मेरी एक और दोस्त आ गए, पर उसने पीछे नहीं देखा अभी। उसको मैं जाके धप्पा करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। क्या है भाई, कहाँ जा रही है? देख भाई, इतने मतलब ही दोस्त है ना मेरे, देखते तक नहीं है मेरे को पीछे। हाँ देखो, बात कर रही, पता नहीं किससे बात कर रही। अरे बंदू के साथ कर रही बात। कौन बंदू? बंदू, वो बंदू। हाँ चल चल चलते। स्कूल के बाद ना दूसरी बार मिली है मेरे को, एक कल मिली और एक आज मिली। बहुत मतलब यही है। अंकिता ने सब्सक्राइब किया था ना मेरे को? हाँ, मैंने कर रखा था। तो हाँ, सब्सक्राइब किया, वो भी कल बोलने पे किया। फॉलो कुछ नहीं करते ये लोग, फॉलो नहीं करते। फोन भी नहीं करते भाई, और व्हाट्सअप में मैसेज तो खैर दूर की बात है। चलो मैं अपने दोस्त से गप्पे गुप्पे लगाती हूँ, आपको मिलती हूँ बाद में। फाइनली मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ से मैंने डब्बों को टांपे दिए, और जहाँ पर गाड़ी वाले अपना दिमाग अपनी गाड़ी के अंदर छोड़ के जाते हैं, मतलब कैसे भी चलाते हैं। जहाँ से मेरे कपड़े गंदे हुए थे उसी रास्ते पे आ चुकी हूँ मैं। कोई ना, ये तो बैड न्यूज़ है, मेरे साथ ऐसा पोपट नहीं होगा तो किसके साथ होगा? कोई ना कोई ना। तो आपने मेरा कैंडी नहीं देखा है ना, तो मैं आज आपको अपना कैंडी भी दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी वो कैसा पागल है बिस्कुट के पीछे। उसको सिर्फ बिस्कुट ही चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। तो मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, देखती हूँ मम्मी कैसी है। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई कि नहीं हुई, अभी मैं जाके देखूँगी। आपको मिलती हूँ मैं सीधा घर पर, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी चीज़। ये रेड कलर की वॉल है और ये वाइट कलर की वॉल है। इसमें तो आज ही कल वाइट कलर हुआ, पर पहले भी वाइट ही थी। यहाँ पे मैं बनाती हूँ अपनी इंस्टाग्राम रील, और यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। सोच रही हूँ मैं कि जब मेरा भतीजा आ जाएगा तो मैं यहाँ पे एक इंस्टाग्राम रील शूट करूँगी। अगर जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं हिस्ट्री में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। फॉलो मत करना, रील्स देख लेना, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्लीज़, मैंने बोला था कि मेरा कैंडी बिस्कुट के पीछे कितना पागल है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। कैंडी बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट खाएगा मेरा बच्चा। तो देखो बेस्टीज, ये है, ले बिस्कुट, बिस्कुट खाएगा। तो ये कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इसे कैमरा पे ले, पर मैं हूँ ना, मैं बनाऊँगी इसे कैमरा फ्रेंडली। अपने रूम पे पहुंच गई, और ये मेरे पापा हैं। ये कुत्ता है वाला हमारा, ठीक है। ये मेरे पापा हैं, और मम्मी की तो तबीयत खराब थी। मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी की तबीयत कैसी है। बुखार आ रहा,
देखा मम्मी की शक्ल ही उतर गई पूरी, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। अभी मैंने दवाई लाई है, वो भी मम्मी को देंगे और मम्मी को रेस्ट करने देते हैं। तब तक मिलाती हूँ मैं आपको अपने कंगले कुत्ते से। ये है कंगला, पापा की लाठी, पापा की लाठी है ये। पापा से बहुत प्यार करते हैं। बिस्कुट चाहिए बस, दिन भर बिस्कुट खाएगा। लेंडी कुकुर का हेलो कर दे कैंडी एक बार। नहीं देगा हेलो, बिल्कुल नहीं देगा। ले कैंडी हेलो, लवी को बिस्कुट दे दूंगी, हेलो कर दे। देखा जल कुखड़ा भी एक नंबर का। बेस्टीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अभी पापा मिलने दो शब्द अच्छे अच्छे बोलेंगे अपनी बेटी के लिए। बोलिए पापा। दवाई ला दी तूने अपनी मम्मी के लिए, दवाई खा रही हूँ बस। पापा की शकल भी उतर रखी क्योंकि पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं ना। मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो पापा की शकल भी उतर गई। मम्मी से ज्यादा कैंडी को प्यार करते हैं पापा। पापा कैसा लग रहा है आपको कि मैं आपको वीडियो में ले रही हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ। पापा को कोई मतलब नहीं है। जबकि मैंने बोला पापा को कि मिले दो अच्छे शब्द बोलो, पर फिर भी पापा को कोई मतलब ही नहीं है। चलो कोई ना, पूरे अच्छे पूरे दिन के बाद अब खाते हैं अच्छा अच्छा सा खाना, वो भी मम्मी के हाथों का। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे खाने की थाली में क्या क्या है। तो ये है राजमा की दाल, और ये है चावल, और ये है पिसा हुआ नमक। अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि इनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। मैं ये डाल रही हूँ एक निवाला अपने मुँह में। मम्मी इधर इधर, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोज बनाना अब से। मम्मी का मुंह रोज के नाम से इतना बिगड़ाना मैं क्या बताऊँ, वो मैं दिखा नहीं पाई। चलो कोई ना, अब मैं आपको खाना खाने के बाद, ठीक है, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट, बी सेफ ऑल।